यू, दिस इज अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज़। अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल के कार्यकाल को भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा समय बताया है। तो चलिए आपको बता दें कि चैपल ने एक फेसबुक पेज पर बातचीत में महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा था कि उन्होंने धोनी को हर बार गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने के बजाय शॉट को नीचे खेलने की सलाह दी थी। वहीं हरभजन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें धोनी को शॉट नीचे रखकर खेलने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि कोच हर किसी को मैदान से बाहर पहुंचा रहे थे। उन्होंने जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया उसमें लिखा था, चैपल के कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा समय रहा। साथ ही चैपल ने एक फाउंडेशन के साथ फेसबुक पेज पर धोनी को लेकर यह भी कहा कि उनके जैसा ताकतवर बल्लेबाज अब तक नहीं देखा। फिर चैपल ने कहा, मुझे याद है मैंने जब पहली बार उन्हें बल्लेबाजी करते देखा तो मैं हैरान रह गया था। उस समय वह भारत में सबसे चमकदार खिलाड़ी थे। वह काफी अलग तरह से पोजीशन में आकर गेंद को मारते थे। मैंने जितने भी बल्लेबाज देखे थे उनमें वह सबसे ताकतवर थे। तो चलिए आपको बता दूं कि चैपल 2005 से 2007 तक भारतीय टीम के कोच रहे थे। उनका कार्यकाल हालांकि विवादित भरा रहा था। और आपको बता दूं कि कई सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके मतभेद रहे, जिसमें तत्कालीन कप्तान और मौजूदा समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी शामिल थे। चैपल ने कहा, हमें 20 रन चाहिए थे और धोनी ने 12वें खिलाड़ी आरपी सिंह के जरिए मुझे छक्का मारने को पूछा था। फिर चैपल ने कहा, तब तक नहीं जब तक लक्ष्य का एक अंक भी नहीं आ जाता है। फिर जब हमें 6 रन की जरूरत थी तो उन्होंने छक्का मारकर मैच समाप्त कर दिया।